नमस्ते गाइस, मेरा नाम है अभिमन्यु। स्वागत है आप सभी का स्पीक अर्बन इंग्लिश में। दोस्तों, लाइफ में हमें बहुत बार इन तरीकों के सेंटेंसेस का यूज करना पड़ता है। जैसा कि अगर मैं कहूँ, तुम तो खाते ही रहते हो, तुम तो पीते ही रहते हो, वो तो बोलता ही रहता है। तो दोस्तों, खाते ही रहते हो, पीते ही रहते हो, बोलता ही रहता है, इन तरीकों के सेंटेंसेस का यूज हम अपनी आम बोलचाल में बहुत बार करते हैं। तो आज के वीडियो में यही सीखेंगे, इन तरीकों के वाक्यों को इंग्लिश में किस तरीके से, किस रूल के अकॉर्डिंग आप फॉर्म कर सकते हैं। दोस्तों, रूल देखिएगा, बहुत ही सिंपल सा रूल है। देखिए, सबसे पहले आपका सब्जेक्ट, उसके बाद कीप या कीप्स, KEEP या KEEPS, उसके बाद वर्ब ING, उसके बाद ओनली। ठीक है दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो क्या आएगा, कीप्स, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो क्या आएगा, की। ये मैं आपको पहले भी बहुत बार बता चुका हूं। देखिए, एग्जाम्पल से समझिएगा और बेहतर। पहला है आपका, वो तो खाता ही रहता है, वो तो खाता ही रहता है। ही कीप्स ईटिंग ओनली, ही कीप्स ईटिंग ओनली। तुम तो मोबाइल ही चलाते रहते हो, तुम तो मोबाइल ही चलाते रहते हो। यू कीप यूजिंग मोबाइल ओनली, यू कीप यूजिंग मोबाइल ओनली। तुम तो बकवास ही करते रहते हो, तुम तो बकवास ही करते रहते हो। यू कीप टॉकिंग nonsense only, you keep talking nonsense only. वो तो चिल्लाती ही रहती है, वो तो चिल्लाती ही रहती है। she keeps shouting only, she keeps shouting only. तुम तो रोते ही रहते हो, तुम तो रोते ही रहते हो। you keep crying only, you keep crying only.